प्रियंका चतुर्वेदी भी बन गई मोदी की जबरा फैन, जमकर पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ की। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले शिवसेना यूबीटी की नेता और राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ऐसा बयान दे दिया है जो उद्धव ठाकरे को यकीनन पसंद नहीं आया होगा। आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी इस बयान के आधार पर उद्धव ठाकरे पर हमलावर भी नजर आ सकती है, जिसके बाद प्रियंका चतुर्वेदी के जल्द बीजेपी में शामिल होने की खबरें आ रही हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद राजनीति में हलचल बढ़ने लगी है और इसी बीच शिवसेना यूबीटी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी का बयान भी सुर्खियों में आ गया है। एक पॉडकास्ट चैनल को दिए इंटरव्यू में प्रियंका चतुर्वेदी ने उनके पसंदीदा नेता को लेकर सवाल किया गया था। इसके जवाब में प्रियंका चतुर्वेदी ने जो नाम लिया वो बेहद चौंकाने वाला है। इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया कि उनकी पसंदीदा नेता कौन है, तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम ले लिया। प्रियंका चतुर्वेदी ने प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह एक महान राजनेता है जो खास तौर पर युवा और महिलाओं से कुशलता से जुड़ते हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि पीएम मोदी ने भारतीय जनता पार्टी को एक बड़े वोट बैंक से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उनके नेतृत्व में पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारियां भी निभाई हैं। प्रियंका ने कहा कि पीएम मोदी की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह लोगों से जुड़ने का कला में माहिर हैं, जो उन्हें व्यापक जनसंपर्क दिलाती है। साथ ही उन्होंने ये भी माना कि प्रधानमंत्री मोदी का योगदान ही बीजेपी को देश की सबसे बड़ी पार्टी बनाने में निर्णायक साबित हुआ। हालांकि उन्होंने ये भी इशारा किया कि बीजेपी हाल के चुनाव में कुछ कमजोर होती नजर आ रही है, लेकिन इसका विश्लेषण बाद में किया जाएगा। महाराष्ट्र चुनाव से पहले प्रियंका चतुर्वेदी के इस बदले हुए रुख ने राजनीति गलियारों में हलचल मचा दी है। सोशल मीडिया पर लोग उनके इस बयान पर प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि उनके पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे को ये बयान शायद पसंद नहीं आएगा। प्रियंका चतुर्वेदी का ये बयान राजनीतिक मैदान में नए समीकरणों को जन्म दे सकता है, खासकर महाराष्ट्र चुनाव के संदर्भ में। प्रियंका चतुर्वेदी कभी राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी की जानी मानी आवाज हुआ करती थीं। हालांकि उन्होंने साल 2019 में कांग्रेस को अलविदा बोल शिवसेना में शामिल हो गईं। प्रियंका चतुर्वेदी जब शिवसेना में शामिल हुई थीं, उस समय पार्टी का विभाजन नहीं हुआ था। कांग्रेस से नाराज प्रियंका चतुर्वेदी ने उस समय पार्टी के अध्यक्ष रहे राहुल गांधी को लिखे पत्र में कहा था कि कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिससे पता चलता है कि पार्टी में उनके योगदान को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि उनसे बदतमीजी करने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 288 विधानसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में 20 नवंबर को मतदान होना है, वहीं इसके नतीजे 23 नवंबर को सामने आएंगे। सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनावी रैलियां तेज कर दी हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। हरियाणा की हार से हतप्रभ राहुल गांधी गुस्से में बताए जाते हैं। समीक्षा बैठक में उनकी इस टिप्पणी की बहुत चर्चा है कि नेताओं ने अपने हितों को पार्टी हित से बड़ा समझा, पर क्या ऐसी पहली बार हुआ? यदि राहुल गांधी को हरियाणा विधानसभा चुनाव में अप्रत्याशित हार से ही यह ज्ञान प्राप्त हुआ है कि नेता अपने हितों को पार्टी हित से बड़ा समझते हैं, तब तो सवाल उनकी राजनीति समझ पर भी उठ सकता है। मंडल कमंडल के राजनीतिक ध्रुवीकरण के बाद से देश के दो बड़े राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार में कांग्रेस हाशिए पर है। देश के सबसे पुराने और दशकों तक शासन करने वाले दल की ऐसी दुर्गति कई सवाल खड़े करती है। एक एक क्षण के लिए मान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार में सामाजिक न्याय के परोकार क्षेत्रीय दलों और हिंदुत्ववादी भाजपा के बीच हुए ध्रुवीकरण से कांग्रेस अप्रासंगिक होती गई, लेकिन आखिर अन्य राज्यों में अपनी पराजय कथा के लिए वह किसे दोषी देगी? राज्य दर राज्य कांग्रेस अपने ही क्षत्रपों की कठपुतली बन गई है, जो हमेशा अपने हितों को पार्टी हितों से ऊपर रखते हैं और अलाकमान को आग दिखाने में भी संकोच नहीं करते। गुटबाजी कांग्रेस का चरित्र रहा है। जब तक अलाकमान सर्वशक्तिमान था, गुटों की नियंत्रित सक्रियता से अंततः पार्टी मजबूत होती थी, लेकिन 2014 में कांग्रेस के ऐतिहासिक पराभव के बाद क्षत्रप अपनी मनमानी करने लगे। अपने और परिवार के अलावा किसी का अपना इन्हें गवारा नहीं, चाहे इसका व्याज से विरोधी दल की मदद ही क्यों ना हो। खुला रहस्य ये है कि तीनों राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के प्रभाव का कारण क्षत्रपों का आपसी टकराव रहा, जिसके लिए अलाकमान भी कम जिम्मेदार नहीं। आखिर अलाकमान सिंधिया पायलट और टी एस सिंहदेव से किए वादे क्यों पूरे नहीं कर पाया? लगता है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्रमश अशोक गहलोत, दिग्विजय कमलनाथ की जोड़ी और भूपेश बघेल को उसी तरह कांग्रेस की फ्रेंचाइजी दे दी गई
जैसे कभी दिल्ली में शीला दीक्षित को दे दी गई थी। हरियाणा का हाल भी अभी भी वैसा है। 10 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में कांग्रेस के सबसे बड़े जनाधार वाले नेता बन गए, लेकिन उनकी चुनावी समीक्षा बार बार उजागर भी होती रही। इसके बावजूद अलाकमान ने हरियाणा के क्षत्रपों में समन्वय बिठाने या उन्हें अनुशासित करने की कोई गंभीर पहल नहीं की। नतीजन कुलदीप बिश्नोई और किरण चौधरी सरीखे नेता पार्टी छोड़ गए। एक दशक से भी ज्यादा समय से हरियाणा में कांग्रेस संगठन विहीन है। 2019 में विधानसभा चुनाव के बाद सफाई दी गई कि गुटबाजी और गलत टिकट वितरण की वजह से कांग्रेस हारी, पर 2024 के चुनाव में तो हुड्डा को फ्री हैंड था। उन्हीं की ही पसंद उदयभान प्रदेश अध्यक्ष थे, तो 90 में से 72 टिकट भी उन्हीं के कहने पर दी गई। फिर कांग्रेस क्यों हार गई? स्पष्ट है कि भारत जैसे बहुलतवादी देश में किसी एक नेता या वर्ग पर दांव लगाकर चुनावी रण नहीं जीता जा सकता, बल्कि ऐसा करने से निजी हितों को पार्टी हित से ऊपर रखने की मानसिकता मजबूत होने लगती है। कर्नाटक, हिमाचल और तेलंगाना बताते हैं कि क्षत्रपों पर नियंत्रण और सामूहिक नेतृत्व ही जीत की कुंजी है। अब जबकि राहुल गांधी ये समझ चुके हैं, तो देखना होगा कि वे कांग्रेसी क्षत्रपों के इस चक्रव्यूह को तोड़ पाने का साहस जुटा पाते हैं या फिर नहीं। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज। महाराष्ट्र कांग्रेस का आज 20 अक्टूबर को होने वाले केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक रद्द हो गई है। इसमें विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप दिया जाना था। इस बैठक के बाद ही कांग्रेस कैंडिडेटों की पहली लिस्ट आनी थी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर होने वाले कांग्रेस सीईसी की बैठक टाल दी गई है, लेकिन अब ये बैठक कल शाम 5 बजे होगी। बताया जा रहा है कि नाराज राहुल गांधी के नहीं पहुंचने से यह बैठक रद्द करनी पड़ी है। माना जा रहा है कि सीट बंटवारे को लेकर अभी तक पैंच फंसा हुआ है। एक दिन पहले 19 अक्टूबर को भी मुंबई के एक होटल में 6 घंटे तक बैठक चली थी और देर रात में खत्म हुई थी। इससे पहले 16 अक्टूबर को दिल्ली में महाराष्ट्र चुनाव स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भी हुई थी। वहीं कांग्रेस से नाराज उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान भी सामने आया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अभी मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, आगे बहुत कुछ बोलना है। आपको बता दें कि कांग्रेस को हाल ही में संपन्न हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी करारी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद सहयोगियों ने भी तंज कसा और बहुत कुछ नसीहत भी दे दी थी। इन तमाम घटनाक्रमों के बाद कांग्रेस 20 नवंबर को होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले सावधानी से कदम उठाती दिख रही है। कांग्रेस शिवसेना यूबीटी और एनसीपी एसपी से अधिक सीटें मांगते हुए संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। यह भी सुनिश्चित कर रही है कि उनका महाविकास अघाड़ी एमवीए गठबंधन बरकरार रहे। कांग्रेस ने संकेत दिए हैं कि वह हरियाणा में की गई गलतियों को दोहराना नहीं चाहती है। कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि पार्टी ऐसे राज्य में कोई जोखिम नहीं लेना चाहती जहां उनका दलित मुस्लिम वोट का आधार मजबूत है और जहां उसने लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया है। कांग्रेस को महाराष्ट्र में लोकसभा के चुनाव में 13 सीटें मिली थी। महाराष्ट्र में काम करने की जिम्मेदारी दिए गए एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा, महाराष्ट्र में हमारी समस्याएं हरियाणा से अलग हो सकती है क्योंकि हमारे पास भूपेंद्र हुड्डा जैसा कोई बड़ा नेता नहीं है जो वहां अभियान संभाल रहे थे, लेकिन सहयोगी दलों को खुश रखने के साथ साथ सीट बंटवारे पर दृढ़ रहना भी महत्वपूर्ण है। उनका यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शिवसेना यूबीटी उन सहयोगी दलों में शामिल थी जिन्होंने कहा था कि कांग्रेस को और अधिक समान योज होना चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक एक अन्य कांग्रेसी नेता ने कहा, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का कार्यकाल महाराष्ट्र चुनाव के लिए पार्टी की तैयारियों पर कड़ी नजर रख रहे हैं। एक वरिष्ठ नेता ने कहा, बैठकों के दौरान एक बात पर चर्चा हुई है कि हम चीजों को हरियाणा की तरह नहीं होने दे सकते। महाराष्ट्र में पार्टी और विशेष रूप से इच्छुक उम्मीदवारों के प्रबंधन में अधिक शामिल होना चाहिए। हरियाणा में बागी उम्मीदवारों ने कांग्रेस को काफी परेशान किया। वे निर्दलीय उम्मीदवारों के रूप में चुनाव लड़े, नतीजन इसका असर देखने को मिला। कई सीटों पर पार्टी के अधिकांश उम्मीदवारों की हार के लिए भी उन्हें ही जिम्मेदार ठहराया गया क्योंकि उन्होंने उनके वोट काटे। चुनाव आयोग ने 15 अक्टूबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था। राज्य में 20 नवंबर को सिंगल फेज में सभी 288 सीटों पर वोटिंग होगी। नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ।
कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया था। वहीं जब उन्होंने इस पर यूटर्न ले लिया, हरियाणा विधानसभा चुनाव के ठीक तुरंत बाद कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने उनके साथ खराब व्यवहार किए जाने का आरोप लगाते हुए गुरुवार अक्टूबर को पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। वहीं अब उन्होंने अपने फैसले पर यूटर्न ले लिया है। दो दिन पहले ही कांग्रेस छोड़ने और सभी पदों से इस्तीफा देने के बाद अब पूर्व मंत्री के अजय सिंह यादव फिर से पार्टी में लौट आए हैं। उन्होंने खुद ही ये बात कही है। उन्होंने कहा कि मैं अपनी नेता और मार्गदर्शक सोनिया गांधी जी का विशेष रूप से ऋणी हूं और उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के बारे में कभी नहीं सोच सकता। मैंने पिछले 48 वर्षों से कांग्रेस पार्टी की सेवा की है और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और पार्टी को अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। उन्होंने आगे कहा कि मैंने अपने नेता स्वर्गीय राजीव गांधी जी और सोनिया गांधी जी के साथ काम किया और उनके द्वारा मेरे प्रति किए गए स्नेह को मैं नहीं भूल सकता, क्योंकि हमारे परिवार का 1952 से लेकर 70 वर्षों से अधिक का लंबा जुड़ाव है। मेरे दिवंगत पिता राव अभय सिंह नेहरू गांधी परिवार के साथ रहे। मैं जन्म से कांग्रेसी हूं और अपनी अंतिम सांस तक कांग्रेसी ही रहूंगा। मैं इस बात से परेशान था कि ओबीसी विभाग के लिए की गई मेरी कड़ी मेहनत को हाईकमान द्वारा सराहा नहीं जा रहा था और कुछ कठोर शब्दों ने मुझे यह कठोर कदम उठाने के लिए मजबूर किया, लेकिन ठंडे दिमाग से मैंने कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का फैसला किया। खासकर मेरी मार्गदर्शक और नेता सोनिया गांधी जी को, मेरे बेटे चिरंजीव ने मुझे अतीत को भुलाने के लिए प्रेरित किया। इस पहले उन्होंने राहुल गांधी पर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने एक्स अकाउंट पर दो पोस्ट शेयर की थी जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को चापलूसों से घिरा हुआ बताया। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस में केंद्र नेतृत्व से बात करना मुश्किल है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का सहयोगी बताते हुए के अजय ने कहा है कि कोई अपने पिता के सहयोगी का अपमान नहीं करता। सबसे पुरानी पार्टी के लिए सपनों की दुनिया में जीना दुर्भाग्यपूर्ण है। चमचों से घिरे रहते हैं राहुल के, अजय ने लिखा था कि वे स्वाभिमान में विश्वास रखते हैं। पद पर रहना महत्वपूर्ण नहीं बल्कि बिना किसी बाधा के पार्टी के लिए काम करना महत्वपूर्ण है। वे 1988 में कांग्रेस में शामिल हुए थे, तब पार्टी के बड़े नेताओं से संवाद होता था। यह क्रम राजीव गांधी और यहां तक कि सोनिया गांधी तक जारी रहा, लेकिन वर्तमान में राहुल गांधी को उनके इर्द गिर्द की एक कोठरी ने घेर लिया, जिसके चलते बड़े नेताओं सहित पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनसे दूरी बना ली। उन्होंने कहा है कि बड़े नेता का बेटा होना उनका मौलिक अधिकार नहीं है, वे अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकते। कैप्टन यादव सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस नेतृत्व पर हमला करने वाले थे, लेकिन जानकारी के मुताबिक बेटे के खूब समझाने पर वो मान गए। अजय यादव के बेटे चिरंजीव राव कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं, साथ ही लालू यादव के दामाद भी हैं। गुरुग्राम से सटे रेवाड़ी विधानसभा 2019 में विधायक बने चिरंजीव राव इस बार चुनाव हार गए। उनके पिता इस सीट से विधायक और हरियाणा सरकार में मंत्री रह चुके हैं। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के 24 घंटे में ही उमर अब्दुल्ला ने ले लिया ऐसा फैसला कि हो गई भारी फसीहत। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में बनी नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक बाद ही सीएम उमर पर लोगों से विश्वासघात करने का आरोप लगा। खासकर नई सरकार के मंत्रियों की पहली कैबिनेट बैठक में अनुच्छेद 370 और 35 ए की अनदेखी करने के बाद उमर अब्दुल्ला सरकार की कड़ी आलोचना हो रही है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार ने जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए तो प्रस्ताव पारित किया, लेकिन अनुच्छेद 370 और 35 ए के बारे में किसी ने मुंह नहीं खोला। राशिद इंजीनियर ने कहा एनसी के नेता बीजेपी से मिले हुए हैं। जम्मू कश्मीर में विपक्षी दलों द्वारा उमर अब्दुल्ला और उनके मंत्रियों की आलोचना की जा रही है कि उनका फोकस केवल और केवल राज्य के बहाली के दर्जे की बात पर है। उनकी अनुच्छेद 370 की वापसी कराने में दिलचस्पी नहीं है। कुछ राजनेताओं ने कहा कि उमर ने अनुच्छेद 370 और राज्य के दर्जे की बहाली के वादे पर चुनाव लड़ा था। उमर सरकार ने जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे के मुद्दे को आसानी से नजरअंदाज कर दिया। विपक्षी नेताओं ने इसे उमर की ओर से विश्वासघात बताया क्योंकि उन्होंने अनुच्छेद 370 की बहाली पर वोट मांगे थे। बारामुल्ला सांसद इंजीनियर राशिद ने कहा यह जानकर बहुत दुख हुआ कि कैबिनेट ने केवल राज्य के दर्जे पर प्रस्ताव पारित किया और अनुच्छेद 370 को नजरअंदाज किया। यह उनकी पार्टी का एक सैद्धांतिक रुख रहा है और यह बहुत स्पष्ट है कि उमर अब्दुल्ला भाजपा के हाथों में खेल रहे हैं। अगर अमित शाह और प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि वे राज्य का दर्जा वापस लाएंगे तो वे केवल राज्य के दर्जे की ही बात क्यों कर रहे हैं और अपने मुख्य एजेंडे को नजरअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने अनुच्छेद 370 पर चुनाव लड़ा और अब ऐसा लग रहा है कि एनसी और भाजपा के बीच खेल चल रहा है। उमर मुख्य मुद्दे से भाग रहे हैं।
पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी उमर अब्दुल्ला पर जम्मू कश्मीर के लोगों से किए गए वादे से पलटने के लिए कटाक्ष किया। पीडीपी एमएलए पुलवामा वहीद पारा ने कहा, प्रधानमंत्री ने पहले ही राज्य का दर्जा देने का वादा किया है तो उस पर बात क्या करनी है। ऐसे में अगर बात होनी चाहिए अनुच्छेद 370 के मुद्दे की, जिसे नजरअंदाज किया गया है। पारा ने कहा, 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने का फैसला जम्मू कश्मीर के लोगों की इच्छा के खिलाफ था और उमर अब्दुल्ला ने जो पहला प्रस्ताव पेश किया था उसमें अनुच्छेद 370 के बारे में बात की गई थी और अब हमने पढ़ा है कि उन्होंने केवल राज्य के दर्जे पर ही प्रस्ताव पेश किया, जिसका वादा प्रधानमंत्री पहले ही कर चुके हैं। भाजपा की जम्मू कश्मीर यूनिट भी पूर्ण राज्य का दर्जा मांग करती है, लेकिन हमारे कश्मीरी भाई 370 की बहाली चाहते हैं और दुर्भाग्य से उमर ने यूटर्न ले लिया है और 5 अगस्त 2019 को लिए गए फैसले को सामान्य घटनाक्रम मान लिया गया। वहीं पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता और हंडवाड़ा के विधायक सज्जाद गनी लोन ने भी उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधते हुए उमर ये समझने में फेल रहे कि इस प्रस्ताव को विधानसभा में पेश करना कितना जरूरी था। उनके 370 पर बात न करने से उस मुद्दे की धार कमजोर हो गई।